नंबर सिस्टम के सीरीज़ को जारी रखते हुए आगे पढ़ते हैं, वो हमारा टू डिजिट क्वेश्चन। टू डिजिट क्वेश्चन मतलब यहाँ पर क्या होता है, दो अंकों की संख्या होती है। पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझेंगे। एग्ज़ाम में कभी भी टू डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा तो कोशिश करिएगा कि जो आपके ऑप्शंस होंगे वह हमारे ऑप्शन से ही बन जाएंगे, उसको ध्यान रखना। ठीक, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर कोई सी मैं दो अंकों की एक संख्या बोला, माना मैंने बोला कि 52, तो ये जो है ये है हमारा इकाई का स्थान, ये हमारा इकाई का स्थान जिसको हम बोलते हैं वंस प्लेस, और ये हमारा 10 या इसको बोल लो दहाई, इसको अपन बोलते हैं टेंथ प्लेस। ये हुआ वंस और ये हुआ टेंथ। तो ये नंबर कैसे फॉर्म हुआ, ये नंबर मेरा फॉर्म हुआ 5 × 10 + 2 × 1, क्योंकि 5 यहाँ पर क्या है, दहाई के स्थान पर है इसलिए 10 से गुना करेंगे, 2 यहाँ पर इकाई के स्थान पर है इसलिए इसको 1 से गुना किए, और ये संख्या बना मेरा 50 + 2 = 52। समझ में आया? अगर सपोज कोई भी नंबर लिया, अगर मैं बोला 27 कैसे फॉर्म हुआ, ये दहाई और ये इकाई, इसलिए कितना हो जाएगा, 2 × 10 + 7 × 1 = 20 + 7 = 27। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया किस तरीके से आया। तो ये था हमारा क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, किस तरीके से होता है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक्स और वाई लेके, जो आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। मान लेते हैं एक दो अंकों की संख्या एक्स वाई है, एक दो अंकों की संख्या एक्स वाई है, ये है हमारा वंस प्लेस इकाई के स्थान पर और ये है हमारा दहाई के स्थान पर टेंथ प्लेस पर। तो ये संख्या क्या फॉर्म हुआ, 10 × x + y × 1 = 10x + y। ये हमारा क्या हुआ, मूल नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर हुआ। ठीक, अब अगर मैंने बोला कि अंक परस्पर बदल दिया जाए, अंक परस्पर बदल दिया जाए और इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ डिजिट्स, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो इकाई के स्थान पर होगा वो दहाई पे चले जाएगा और जो दहाई पे होगा वो कहाँ जाएगा, इकाई के स्थान पर आएगा। तो अब जो नया नंबर फॉर्म हुआ, वो यहाँ पर क्या बना, वाई एक्स मला, क्योंकि जो इकाई के था इकाई का दहाई पे आ गया और दहाई का इकाई पे चला गया। तो ये जो नंबर हुआ क्या फॉर्म हुआ, 10 × y + x × 1 = 10y + x। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा नया नंबर हुआ। कब, जब उसके डिजिट्स को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ये हमारा ओरिजिनल नंबर xy, 10x + y ओरिजिनल नंबर, और ये हमारा क्या हुआ, न्यू नंबर, नया नंबर, जब उसके डिजिट्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया, अंक परस्पर बदल दिया। अब दो तरीके से पूछता है, पहला योग पे आधारित और दूसरा अंतर पे आधारित, योग और अंतर। योग होगा एक दो अंकों की संख्या और अंकों को परस्पर बदलने पर अंकों का योग। तो मूल संख्या क्या था, 10x + y, और ये था ओरिजिनल नंबर। नया नंबर क्या है, नया नंबर हमारे पास क्या है, 10y + x। अगर दोनों को जोड़ा तो 11x + 11y होगा, 10x और x 11x और y + 10y क्या हो जाए, 11y। कॉमन लिया तो क्या हुआ, 11x + y। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक दो अंकों की संख्या और अंकों को परस्पर बदलने पर और दोनों को जोड़ने पर जो भी संख्या प्राप्त होगा वो हमेशा क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा, हमेशा किसी विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा, याद रखना। अंतर बोलेगा तो 10y - 10x + x, ये हो जाएगा 10x + y - 10y - 10y - y। 10x में से x गया 9x,
y में से 10y गया माइनस 9y, कॉमन क्या है 9 कॉमन है, बचा क्या x माइनस y। मतलब एक दो अंकों की संख्या और अंकों को परस्पर बदलने पर अगर दोनों का अंतर करूंगा वो संख्या हमेशा किससे भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा। मतलब योग जब बोलेगा योग में वो 11 से भाग जाएगा और अंतर में वो किससे भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा, याद रखना। अंतर में किससे भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा, और जब योग बोलेगा तो किससे भाग जाएगा, सॉरी जब योग बोलेगा तो 11 से भाग जाएगा और अंतर बोलेगा तो 9 से भाग जाएगा। अंतर में 9 और योग में कितना होगा, 10 होगा, ये दो चीज़ याद रखना, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर कितना दिया है, 36। मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है परस्पर बदलकर पलटने पर ये जो वैल्यू दिया है, अंतर दोनों कितना दिया है, 36 दिया है, तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 36/9 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के जो होगा अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया पहला वाला। सेकंड आते हैं, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच का योग दिया 77। अब हमको बात कर रहा है योग, योग में क्या दिया हमको, 77 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 77/11 कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा क्लियर हुआ, 7 कैसे हुआ अपने को, यहाँ पर क्या बोला था अपने को, अंतर बोला था, इसलिए 9 से भाग किए तो क्या हो जाएगा, अंकों का अंतर आ जाएगा। योग बोलेगा तो संख्या के अंकों का योग बोलेगा तो 11 से भाग कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा, याद रखना। क्लियर हो गया पहला और दूसरा। तीसरा, अब ये शुरुआत में बताया था कभी भी दो अंकों की संख्या पूछेगा तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को अपन लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से बनाने के बजाय, कॉन्सेप्ट क्यों था अपने को समझने के लिए था, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के अगर हम डायरेक्टली ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हैं तो आंसर क्या होगा, बहुत जल्दी आ जाएगा इसके मुकाबले में, ठीक है। कैसे अब देखते हैं, एक दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान में इकाई के स्थान में अंक दहाई के अंक का यहाँ पर क्या दिया है, 4 गुना। दो अंकों की संख्या बोला है तो यहाँ पर x और y लिया, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है 28, दूसरा दिया है 82, तीसरा दिया है 19, चौथा दिया है 91। ये हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ, पांचवा दिया इनमें से कोई नहीं। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है ये देखना, पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि इकाई के स्थान का अंक दहाई के अंक का 4 गुना है। मतलब जो इकाई का अंक होगा ये दहाई का कितना होगा, 4 गुना होगा। अगर यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा, तभी तो यहाँ पर 4 गुना होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो 41 होगा या तो क्या होगा, 82 होगा, अभी हमको कन्फर्म नहीं है। फिर आगे बोल रहा है कि अंकों का योग 10 बोल रहा है, तो 4 प्लस 1 करूँगा तो 10 आएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन 8 प्लस 2 करूँगा तो 10 आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 82 हमारा सही आंसर होगा। क्लियर हो गया थर्ड वाला किस तरीके से बनाया। आते हैं फोर्थ पे, फोर्थ बोल रहा है सबसे पहला काम दो अंकों की संख्या, तो ये x और ये y सबसे पहला काम। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना बोल रहा है, 15। अंकों का योग कितना बोल रहा है, 15, और उनका अंतर कितना बोल रहा है, 3, ठीक है। तो मतलब x प्लस वाई बराबर 15 और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये हमको दो कंडीशन दिया हुआ है, मतलब दो अंकों का योग कितना बोल रहा है अपने को, 15, और उनका अंतर कितना बोल रहा है, 3।
ठीक है, तो हमको दो अंकों की संख्या निकालना है। अब यहाँ से क्लियर हो गया, ये इससे पहले वीडियो में बताया था अपन लोग जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। एक्स में से एक्स गया, कट जाएगा, जीरो बचेगा। वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा, दो वाई बराबर पंद्रह में से तीन गया तो कितना हो जाएगा, बारह। तो वाई बराबर बारह बट्टे दो कितना हो जाएगा, छः। वाई का मान कितना आ गया, छः आ गया। अब यहाँ रखते हैं एक्स प्लस वाई बराबर पंद्रह, तो एक्स प्लस छः बराबर पंद्रह। एक्स कितना हो जाएगा, पंद्रह माइनस छः, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, नौ। तो अब हमारे पास आंसर 96 भी होता और 69 दो संख्या हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों का योग यहाँ पर क्या बोल रहा है, अंकों का योग यहाँ पर 15 बोल रहा है और जो दोनों का अंतर है वो भी यहाँ पर क्या, तीन, दोनों को जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन ये नहीं बता रहा है इसमें कि इकाई के स्थान का अंक बड़ा है कि दहाई के स्थान का अंक बड़ा है, मतलब ये जो इकाई में है ये बड़ा है कि जो दहाई में ये बड़ा है, या ये नहीं बोल रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से तीन ज़्यादा है ना, दहाई का अंक तीन ज़्यादा है, या इकाई का अंक दहाई के अंक से तीन ज़्यादा है, इस तरीके से कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो अपना आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कैनॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। एग्जाम में ये नहीं अपन ने फटाके सॉल्व कर लिया और अपने को 69 दिख गया या 96 दिख गया, हमने तुरंत यहाँ पर उसको राइट कर दिया, इस तरीके से नहीं होगा, याद रखना इस चीज़ को। कौन सा था ये हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है यदि दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, पहला ऑप्शन 63, दूसरा ऑप्शन 26, तीसरा ऑप्शन 46, चौथा ऑप्शन 64, और यहाँ पर ये हमको पांचवा दिया अपने को, नन ऑफ दिस, जो भी अपने को दिया। ये बोल रहा है एक मूल संख्या दिया हुआ, एक हमको ओरिजिनल संख्या दिया हुआ है, और जब इसके अंकों को यहाँ पर क्या कर दे रहा है, पलट दे रहा है, परस्पर बदलने पर जो नया संख्या होगा मूल संख्या से कितना अधिक होगा, 18 अधिक होगा। इसको पलटा तो हुआ 36, इसको पलटा तो हुआ 62, इसको पलटा तो 64, इसको पलटा तो 46। ये जो नई संख्या है 63 से कितना बोल रहा है, 27 कम, इसके बीच का अंतर कितना है, ये कितना हो जा रहा है, 36 ज़्यादा हो जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है, 18 ज़्यादा हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, 18 कम हो रहा है। तो हमको क्या पूछा है, क्या हो रहा है, कंडीशन बोला है कि मूल संख्या को जब उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं, मतलब पलट देते हैं, तो जो नया नंबर मिलेगा मूल नंबर से, ओरिजिनल से 18 ज़्यादा होगा, 18 ज़्यादा सिर्फ इसी कंडीशन पे मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया, कौन सा होगा अपने को, 46। अच्छा, और अंकों का योग कितना बोल रहा है, ये कंडीशन यहाँ तक ही आ गया, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और बोल रहा है, और बोल रहा है कि अंकों का योग कितना बोल रहा है अपने को, अंकों का योग बोल रहा है आठ। अब यहाँ पर यहाँ देखते हैं 4 + 6 ये कितना हो रहा है, 10, लेकिन हमको चाहिए कितना, हमको यहाँ पर 8 चाहिए, तो ऑप्शन ये वाला भी नहीं होगा, अब ये ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाए, कट जाएगा। तो जो जो कंडीशन देगा हम उस सारे कंडीशन को यहाँ पर क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, साथ में रखते हुए चलेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा, उस चीज़ को याद रखना, सिर्फ एक कंडीशन को नहीं होगा, दोनों कंडीशन को क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा, तो ही हमारा वो क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया, कौन सा था ये था हमारा कौन सा नंबर, पांचवा नंबर, ठीक है, सिक्स्थ। एक दो अंकों की संख्या अपना 5/6 हो जाता है जब इसके अंकों को बदल दिया जाता है, कितना हो जाता है, बदल दिया जाता है।
मतलब एक नंबर है आपका एक्स वाई, इसको अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर मैं कर दे रहा हूँ कितना वाई एक्स कर दे रहा हूँ, तो ये जो नंबर है नए नंबर का कितना हो जा रहा है, पाँच बटे छः भाग हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, पाँच बटे छः भाग हो जा रहा है। ठीक है, मतलब सॉरी, ये जो नंबर है मतलब मूल नंबर है, ओरिजिनल नंबर अब पलट दे रहे हैं, तो ये जो नया नंबर है इस नंबर का कितना हो जा रहा है, पाँच बटे छः भाग हो जा रहा है। ये नंबर इसका पाँच बटे छः भाग हो जा रहा है। ठीक है ना, दोनों संख्या अपना पाँच बटे छः हो जाता है जब इसके अंकों को पलट दिया जाता है। अंकों के बीच का अंतर कितना दिया अपने को, एक दिया हुआ। अब दोनों कंडीशन जस्टिफाई करते हैं, पहला 54, दूसरा 45, तीसरा 46 और 64, और नन ऑफ दिस। पहला कंडीशन बोल रहा है अगर 54 को मैं 5/6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ये 45 पलट के हो रहा है, हो रहा है। इसको 5/6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 54 हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी ये दोनों भी जस्टिफाई नहीं करेगा, सिर्फ जस्टिफाई कौन सा कर रहा है, सिर्फ ये वाला कर रहा है 54 वाला। पहले तो जस्टिफाई कर देती है ऑप्शन हो सकता है। सेकंड बोल रहा है अंकों के बीच का अंतर कितना बोल रहा है, अंकों के बीच का अंतर बोल रहा है एक। क्या इनके मध्य एक का अंतर है, उसको भी जस्टिफाई कर रहा है। तो पहला कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन हमारा, कौन सा था ये, सिक्स्थ नंबर। अब आ जाते हैं सेवेंथ नंबर पर। सेवेंथ क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। सेवेंथ बोल रहा है दो अंकों की संख्या में यह ज्ञात है कि इकाई का अंक किसके दहाई के अंक से दो अधिक है। दो इकाई का अंक दहाई के अंक से दो अधिक है, मतलब ये जो नंबर होगा ये नंबर इससे क्या होगा, दो ज्यादा होगा। अगर यहां पर एक होगा तो यहां पर तीन होगा, यहां पर दो तो यहां पर चार, तीन तो पांच, चार तो छः, पांच तो सात, है ना, छः तो आठ, सात तो नौ, आठ के बाद दस, वो पॉसिबल नहीं है, जीरो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यह दिया गया है कि उसके अंकों के योग के बीच का, और यह दी गई संख्या और उसके अंकों के बीच का गुणनफल 144 है। पहला ऑप्शन 54, दूसरा ऑप्शन 45, तीसरा ऑप्शन 42, चौथा ऑप्शन 24। पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि इसका इकाई का अंक दहाई से दो अधिक है, इकाई दहाई से दो अधिक है, इकाई दहाई से दो अधिक है। क्या ये चार पाँच से दो अधिक है, नहीं। क्या ये पाँच चार से दो अधिक है, नहीं। क्या ये दो चार से दो अधिक है, नहीं। क्या ये चार दो से दो अधिक है, हाँ। पहले कंडीशन को जस्टिफाई कर, अब पहला को जस्टिफाई करने के बाद क्या बोल रहा है, इस संख्या को इसके अंकों के योग मतलब दो और चार से गुना कर रहे हैं तो क्या 144 मिल रहा है। तो 24 गुणित दो और चार कितना हो गया, छः, तो कितना हो जाएगा 144। तो ये हमारा जस्टिफाई कर रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ, तो दो जब भी एग्जाम में दो अंकों की संख्या पूछेगा जो सबसे पहला बताया था वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया था, और एग्जाम में कभी भी दो अंकों की संख्या पूछेगा तो डायरेक्टली क्या करेंगे, हम ऑप्शंस लेंगे, ऑप्शन को वहाँ जो कंडीशन दिया रहेगा 18 ज़्यादा 18 कम, या इकाई का अंक दहाई से दो ज़्यादा दो कम, सारे कंडीशन को अपन लोग क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, और जो सारे कंडीशन को जस्टिफाई करेगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा और वो आंसर सही होगा। क्लियर हो गया।